सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में देखो ये बात करने वाले हैं कि आपकी अगर कार में ये प्रॉब्लम हो जाए कि आपकी जो सीट बेल्ट है वो वापस जा ही नहीं रही अंदर। अभी सीट बेल्ट ऐसे स्टक हो गई है कि ना तो ये देखो ये बाहर आ रही है ना, और ना ही अंदर जा रही है। तो ये कुछ मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है जो कि होता है वहाँ कहीं लोकेटेड। तो इसको चेक करेंगे क्योंकि ऐसे स्टेट में तो कैसे गाड़ी चलाओगे कि ना तो वो लग रही है सीट बेल्ट, ना रोल अप हो रही है, ना बाहर आ रही है। तो इसको अपन अभी देखेंगे, पूरा चेक करते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है और कहाँ उसके वर्किंग में प्रॉब्लम आई है। वो ओवरलैप कर रही है सीट बेल्ट, ये क्या प्रॉब्लम है, तो ये अपन चेक करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए अपने को पूरा ये पैनल खोलना पड़ेगा। पैनल खोलने के लिए ये वाला पैनल खोलें क्योंकि जो सीट बेल्ट का मैकेनिज्म है वो जो आप नट देख रहे हैं ना उसके आसपास होता है, वहीं पर होता है। तो उसके लिए पहले यहाँ से खोलेंगे ये वाला पैनल और पूरा मतलब इस ये वाला जो पूरा सेक्शन है इस सेक्शन को बाहर निकालेंगे। उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का डायग्नोस करने के लिए अपन करते हैं ड्राइवर सीट सीट बेल्ट को पहले कर देते हैं सीट में, ड्राइवर सीट को आगे कर देते हैं एकदम और इसको पहले आगे कर देते हैं। ठीक है, अब अपने को इधर स्पेस मिल गई काम करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा समझ आ रहा होगा। ये देखिए ये सीट बेल्ट जो है ना तो बाहर आ रही है और ना ही ये ऐसे छोड़ने पे अंदर जा रही है। तो जो ये वाला जो पैनल है, ये वाला जो पूरा पैनल है, इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए इस साइड से ये लॉक खोलना पड़ेगा, पूरा स्कफ प्लेट हटा के यहाँ से लॉक खोलेगा और सेम उस साइड से होगा और यहाँ से बीच में से लॉक्स हटेंगे, रबर की पैडिंग हटेगी, तब जाके ये पूरा बाहर आएगा। तो अपन इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसको निकालने के लिए किसी भी तरीके का कोई स्क्रू ड्राइवर देख लीजिए, जैसे स्क्रू ड्राइवर मेरे पास है, इसका अपन चेंज कर लेंगे। फ्लैट हेड साइड अपन ले लें इसमें ये वाली। तो अब सीधा इसको अपन खोलने का ट्राई करते हैं। ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखिए लॉक हट सेपरेट हो गए, बस इतना ही बहुत है। और इधर से जो ये रबर की गैसकेट है उसका भी हटाना पड़ेगा, स्ट्रिपिंग ये साइड से हटा दी और दूसरी साइड भी यही करेंगे। और मैं फंसा दूँगा, देख सकते हैं कि ये यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। इधर तरीके के दो लॉक्स होंगे, ये देखो यहाँ से और यहाँ से, अब ये पूरा बाहर आ गया। वो देख सकते हैं पूरा सीट बेल्ट का मैकेनिज्म। अब सीट बेल्ट को पूरा निकालने के लिए अपने को ये पहले ये वाला नट जो है इसको अनस्क्रू करना पड़ेगा, सॉरी ये वाला। तो इसको करते हैं पहले, जाम हो रखा है बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं ये वाला बोल्ट है जो बाहर निकाला है, ये सीट बेल्ट का जो दूसरा पार्ट उसको रोक के रखता है। तो इसको करते हैं थोड़ा साइड पे। और अब जो ये पूरा है पैनल ही बाहर आ जाएगा। ये रही सीट बेल्ट की मशीन जो सीट बेल्ट को रिट्रैक्ट करती है। मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरे को लग रहा है कि ये शायद मैकेनिज्म इसका फेल हो गया है,
जो सीट का है इसको फेल ही हो गया है, फिर इसको ओपन करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट वर्क है ये, क्योंकि सीट बेल्ट है आफ्टर ऑल। यहाँ पे अगर अपन इस मशीन को देखें, एक्सपेशली यहाँ देखो, हर सीट बेल्ट में जो होता है ये लिखा होता है डू नॉट ओपन, यहाँ लिखा हुआ है, दोनों साइड लिखा होगा। ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड होता है ये, और इनकेस अगर आपने प्लास्टिक का कवर खोल दिया तो आपसे तो ये बिल्कुल फिट नहीं होगा, ये मशीन के द्वारा ही पैक हुआ हुआ आता है। अब जो भी आप देखो यहाँ पर ये सीट बेल्ट अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो मैंने जब रियलाइज़ किया है कि ये बेसिकली सीट बेल्ट का ये ख़राब नहीं है, ये स्टक है, तो ओपन ये वाली साइड से तो ओपन बिल्कुल भी नहीं करते। देखो यहाँ लिखा हुआ है ओपन भी नहीं करना, इस साइड से ओपन करके अपन इसको एक बार पहले सीट बेल्ट को फ्री करते हैं। तो उसको खोलने के लिए एक इधर से और एक इस साइड से आपको कैसे खोलना पड़ेगा इसको, तो ये बाहर आ जाएगा प्लास्टिक का पीस जो है। इधर से और करता हूँ, उसको हाथ से पकड़ के से खोल दीजिए, ठीक है। तो ये सीट बेल्ट का पूरा मैकेनिज्म है। अब जो इसको घूमने से रोक रहा है वो ये वाला पार्ट है, ये देखो ये लॉक कर रहा है इसको। तो एक बार अपन इसको यहाँ से ऐसे हटाएंगे, पोल को भी बाहर निकाल लेंगे, इसको रख दीजिए साइड पे ध्यान से, और एक बार पहले सीट बेल्ट को आप अनडू कर लीजिए ऐसे पूरी खोल के। ये देखिए ये मैंने खोल ली, और अब मैं क्या करूँगा, अगर आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी लुब्रिकेंट है, जैसे मेरे पास WD-40 है, तो मैं इसको यूज़ करके ट्राई करूँगा कि एक बार अच्छे से लुब्रिकेट हो जाए, जैसे कि फ्री के बार बार ये अटकेगी नहीं। प्रॉब्लम वही है कि वो अटक रहा है, क्योंकि वो उसमें जो ग्रीसिंग या लुब्रिकेशन आता है वो ख़राब हो गया उसका। अब इसको ऐसे पकड़ के इसके जो कोने हैं उस पर थोड़ा थोड़ा WD-40 मार लेंगे, बस इतना बहुत है। अब इससे क्या होगा कि ये अच्छे रहेंगे। हम वापस से वो बॉल और उसको फिट करेंगे। ये रहे दोनों, इसको फिट करने का प्रोसेस है कि पहले जो ये वाली है इस जो ये क्लिप है, क्लिप को आप पहले ऐसे फंसा के यहाँ से, ज़्यादा बेटर दिखेगा, आई एम सॉरी। ये आप देख सकते हैं ये क्लिप को मैंने ऐसे फंसा दिया यहाँ पे। अब क्लिप फंसाने के बाद जो बॉल है उसको इसमें डाल दीजिए, ये बॉल की वजह से ही लॉक होता है, तो इसको डालना मत भूलना, ठीक है। तो ये आपका सेट हो गया। अब लगाएंगे कवर, ये कवर इसका, और अब सीट बेल्ट को वहाँ फिट करेंगे। अब जिस तरीके से पहले लगी हुई थी सीट बेल्ट, इसमें फंसा के
और इसको रिलीज करने से पहले ही जो सीट बेल्ट का जो दूसरा वाला पार्ट है, एक बार आप देख सकते हैं ऐसे करके पूरा फिट हो गया। और अब ये ठीक से वर्क करेगी, देखिए हम इसको फिट करें और ये वापस जा रही है आराम से। और ये वाला बोल्ट जो है ये बाहर से लगेगा, इसको अभी नहीं लगाना, तो वापस से जो अपनी किट लेके उस बोल्ट को अपन अच्छे से टाइट कर देंगे। मेक श्योर कि अच्छे से टाइट हो जाए ये बोल्ट, एकदम बढ़िया से टाइट हो गया। हम देखिए अच्छे पूरी वर्क कर, अब लगाएंगे वाला पैनल का पीस, इसको वापस यहाँ फिट करेंगे। पहले ये बोल्ट को लगाने से पहले ना सारी फिटिंग पूरी कर लीजिएगा। फर्स्ट पिन को निकाल के इसको इधर खींच के वापस से ये वाला जो पैनल है इसको, इस आप देख सकते हैं वहाँ जो उसके ग्रूव्स हैं इसमें अच्छे से फंसा लीजिए। अपने गलती ये कर दी कि इसको बाहर ही निकाला, तो अपने वापस से खोलना पड़ेगा। गैसकेट को फिट कीजिए, ये इसके नीचे जाएगी जो अपन लगाना भूल गए, को वापस से टाइट कर दीजिए और लॉक कर दीजिए इसको। तो देख सकते हैं अंदर से पूरा हो गया ये पैनल फिट, तो पीछे की तरफ से आउट फिट कर देंगे। पीछे की तरफ भी वही सेम चीज रिपीट, पहले इसको लगा दीजिए और फिर ये वाला पीस को वापस इधर फिट कर देंगे। लास्ट के अंदर सीट बेल्ट को अपनी तरफ थोड़ा पुल करके जो लास्ट में जो बोल्ट है इस वाले बोल्ट को कस दीजिए। अच्छे से एकदम टाइट कर दीजिए इसको, अपना काम हो गया। और देख सकते हैं जो सीट बेल्ट जो अटकी हुई थी ये वापस होने लग गई है, और अगर इसको झटके से खींचूंगा तो लॉक हो जाएगी। तो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इतना सा सीट बेल्ट अगर फंस जाए किसी भी तरीके से, या आप किसी सीट बेल्ट अगर मतलब ऐसे अटक नहीं रही, तो ऐसा अगर आप उसको यूज़ करते हैं फिर उसके बाद वो इतनी बहुत धीरे धीरे जाती है या मान लो जा ही नहीं रही, तो वो भी सेम प्रोसेस है, खोल के उसको क्लीन कर दीजिए या लुब्रिकेट कर दीजिए, उसके बाद तो आपके प्रॉब्लम एकदम रिजॉल्व हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।